वेलकम टू समासन सीआरटी। आज हम करेंगे टेंस का एक पार्ट जिसका नाम है पास परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास मेंशन किया है यहाँ पे, तो चलिए चलते हैं पास्ट में। देखिए ये टाइमलाइन है पास्ट की। ओके, ये पास्ट है। तो जो पास परफेक्ट कंटिन्यूअस है, जो टेंस यूज करते हैं हम, वो उस कार्य के लिए, उस काम के लिए यूज करते हैं जो पास में ही स्टार्ट हुआ है और पास में ही एंड हुआ है और पास के दौरान ही वो चला है। ठीक है, तो टाइम के ड्यूरेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं पास परफेक्ट कंटिन्यूअस से। देखिए जो एक्शन, जो भी एक्शन पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो पास में ही स्टार्ट हुआ है, बिगिन हुआ है, पास में ही कंटिन्यू रहा है वो, मतलब पास के दौरान ही उसी टाइम पीरियड में वो चला है और पास्ट में ही वो एंड हुआ है, भूतकाल में ही वो एंड हुआ है। और अब चलते हैं, अब करते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट में यूज होता हैड बीन। हैड बीन तो चलो हो गई यूज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमारे पास होगा, जैसे हमारे पास एक वर्ब है गो, वेंट और गॉन। ये गो एक वर्ब है, उसकी ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा गो यूज होगा, लेकिन लेकिन आईएनजी के साथ, तो प्लस आईएनजी लगेगा और बन जाएगा वो गोइंग। ओके, तो गोइंग यूज होगा पास्ट में। हैड बीन तो हो रहा है यूज और गोइंग और होगा। अब देखिए सिंस या फॉर। सिंस होता है अनिश्चित टाइम के लिए और फॉर होता है निश्चित टाइम के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सिंस ये होता है मॉर्निंग के लिए यूज, मॉर्निंग के लिए यूज। ओके, और फॉर होता है 2 आवर्स के लिए। ठीक है, और सिंस या फॉर को यूज करूंगा मैं, आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगा आगे। तो हमारे पास फॉर्मेट में से रहा था, से रही थी, से रहे थे, जहां भी आ जाए इसका मतलब है पास परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मेट यूज होगा। वहां पे हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर यूज होगा। आप इसको देखकर पता लगा सकते हो कि पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज हो रहा है। अब करते हैं एग्जांपल। एग्जांपल में है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। देखो से पढ़ रहा था, से पढ़ रहा था, आते ही आपको पता लग गया ये पास परफेक्ट कंटिन्यूअस है। देखो यहां से दिख नहीं रहा, से पढ़ रहा था तो ये पास परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। तो क्या फॉर्मेट फॉलो करेगा ये? ये फॉर्मेट फॉलो करेगा हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर। चलिए स्टार्ट करते, बनाते हैं फिर फॉर्मेट से। मैं को देखकर आई सीधा सीधा लगा दो। अब फॉर्मेट में क्या है? हैड बीन। ओके, हैड बीन भी सीधा सीधा लगा दो, हैड बीन। ऑल राइट, अब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना, स्टडी, स्टडी पढ़ना ही है। ओके, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्टडी की फर्स्ट फॉर्म क्या है? स्टडी की फर्स्ट फॉर्म स्टडी ही होती है। सेकंड फॉर्म स्टडीड हो गई, थर्ड भी स्टडीड हो गई, लेकिन हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है स्टडी। अब हमें क्या लगाना है? आई एन जी, तो लगा दो आई एन जी इसमें वर्ब में। आई हैड बीन स्टडिंग 2 घंटे से, एक निश्चित टाइम दिया हुआ है, तो फॉर 2 आवर्स बन गया। देखो कितना आसान है। अब देखो मैं सुबह से पढ़ रहा था, से पढ़ रहा था, पास परफेक्ट कंटिन्यूअस सिंपल, पता लग गया से पढ़ रहा था, मैं सुबह से पढ़ रहा था। चलो बनाते हैं इसका। मैं आई सुबह से पढ़ रहा था, से पढ़ रहा था मैं, इसका मतलब हैड बीन तो लगेगा ही भाई, हैड बीन। अगेन स्टडी, वो मैंने तुम्हें बताया स्टडी फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी स्टडिंग। देखो अनिश्चित टाइम है सुबह से, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस लगता है अनिश्चित टाइम के लिए, सिंस मॉर्निंग बन गया। आई हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ऑलराइट, आगे है वह लड़की सन 1995 से इस शहर में रह रही थी। से रह रही थी, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्मेट लगा दो। वह लड़की, बैट गर्ल,
दैट गर्ल। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन तो लगता ही है भाई, से रह रही थी, हैड बीन। ओके, हैड बीन रहना मतलब लिव, फर्स्ट फॉर्म आएगी तो लिव, आईएनजी लगेगा तो इसको लिविंग करना पड़ेगा, ये आईएनजी लिविंग। दैट गर्ल हैड बीन लिविंग इस शहर में, इन दिस सिटी। ओके, अब देखो सन 1995 से, अब जो सन जो हमें सन दे रखा है उसके लिए जो एक पर्टिकुलर ईयर दे रखा है, हम सिंस यूज करते हैं, सिंस 1995। ध्यान रखना, मैं आपको बता ही देता हूं। देखो, फॉर यूज होता है 2 आवर्स के लिए, 2 डेज के लिए, और फॉर एक डेफिनेट टाइम के लिए यूज होता है फॉर। और सिंस यूज होगा मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, या फिर सिंस इवनिंग, या फिर सिंस 1995, सिंस 1947, ETC। ओके, चलिए अब एग्जाम्पल करते हैं। वो 2 घंटे से काम नहीं कर रहे थे, नेगेटिव सेंटेंस है। से कर रहे थे, ऑब्वियसली ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। तो अब देखिए, अब कैसे बनाएंगे। वो एक से ज्यादा बंदे हैं तो दे, दिख नहीं रहा, ये दो, एक ये और एक ये, देखो कितना मेहनत से काम कर रहे हो, उठा के ले जा रहे थे भारी को। वो 2 घंटे से काम नहीं कर रहे थे, दे हैड। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लग जाएगा, दे हैड नॉट बीन। काम करना क्या होता है, वर्क, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी लग जाएगा, वर्किंग, कितने घंटे से, 2 आवर्स से, डेफिनेट टाइम है इसलिए फॉर, फॉर 2 आवर्स। हो गया इतना आसानी से। ओके, आगे करते हैं। क्या वो 2 घंटे से फेसबुक यूज कर रही थी, क्वेश्चन मार्क वाला है, से कर रही थी, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगेन। और हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मेट हैड से, हैड शी बीन यूजिंग फेसबुक 2 घंटे से, तो डेफिनेट टाइम है फॉर 2 आवर्स। देखो, हैड बीन से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, और ऑब्वियसली सब्जेक्ट बीच में लगेगा। ओके, फॉर्मेट में हमेशा ध्यान रखना जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना, बोलना ना भूले। क्या वो सुबह से टीवी देख रहे थे, देखो तीनों देख रहे हैं ना, सुबह से देख रहे हैं, लॉकडाउन में तो यही होगा, थैंक गॉड मास्क पहना हुआ है, आप भी पहनिए। हैड दे बीन वॉच, वॉच आप करेंगे लेकिन आईएनजी तो लगाना पड़ेगा, बन जाएगा वॉचिंग। टीवी अब इनडेफिनेट टाइम है तो सिंस मॉर्निंग। क्या वो सुबह से टीवी देख रहे थे। ओके, देखो फॉर्मेट, देखो हैड बीन के बीच में सब्जेक्ट आता है यहां पे भी और यहां पे भी जब हम क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, ऐसे मत कर देना कि हैड बीन दे वॉचिंग, नहीं, हैड दे बीन वॉचिंग। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, आपको टेंस समझ आया हो। आगे हम अगला टेंस एक्सप्लेन करेंगे इसी तरीके से, सिंपल वर्ड्स में, ताकि सबको समझ आए। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्व, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।